दोस्तों, द्वापर युग में जब असुरी ताकतों और पापियों का भार इस पृथ्वी पर बढ़ने लगा था, तब पृथ्वी घबरा गई थी और पृथ्वी देवी घबरा कर ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की सारी परेशानी समझने के बाद सभी देवताओं, अप्सराओं और गंधर्वों को अपने पास बुलाया। ब्रह्मा जी ने उन सभी से पृथ्वी के अधर्म का भार कम करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए कहा। ब्रह्मा जी का आदेश सुनकर सभी देवता इंद्र को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्होंने भगवान विष्णु से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप भी अपना अवतार पृथ्वी पर लीजिए। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। किस योद्धा में किस देवता या किस असुर का अंश था, चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। भगवान विष्णु जी ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। शेषनाग श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव के रूप में इस पृथ्वी पर आए थे। देवी लक्ष्मी ने रुक्मणी जी के रूप में अवतार लिया था। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में सनत कुमार जी ने जन्म लिया था। काल नेमी राक्षस ने कंस के रूप में जन्म लिया था। दानवराज विप्रचिति ने जरासंध और हिरण्यकश्यप ने शिशुपाल के रूप में जन्म लिया था। प्रहलाद के छोटे भाई शहलाद ने शल्य के रूप में जन्म लिया था और अनुभल्लाद धृष्ट केतु बनकर पैदा हुआ था। इसी प्रकार अरिष्ठा पुत्र गंधर्व हंस धृतराष्ट्र के रूप में पैदा हुए थे और गंधर्व हंस के छोटे भाई पांडु के रूप में पैदा हुए थे। सूर्यदेव और धर्म के अंश से विदुर जी का जन्म हुआ था। कुंती सिद्धि के अंश से उत्पन्न हुई थी और माद्री का जन्म घृती के अंश से हुआ था। मती के अंश से धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी का जन्म हुआ था। वशिष्ठ ऋषि के श्राप से आठों वशु शांतनु द्वारा देवी गंगा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जिनमें से सबसे छोटे भीष्म ही जीवित बचे थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के अंश से भारद्वाज ऋषि द्वारा गुरु द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। यम, काल और क्रोध तीनों के अंश से अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में जन्म लिया था और द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ था। मरुद गण के अंश से सत्यकी, द्रुपद, कृतवर्मा और विराट का जन्म हुआ था। युधिष्ठिर धर्मराज के अंश थे और भीम वायुदेव के अंश थे। अर्जुन इंद्र के अंश थे। दोनों अश्विनी कुमारों के अंश से माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव पैदा हुए थे। द्रुपद के यहाँ हवन कुंड से उत्पन्न हुई द्रौपदी इंद्र की पत्नी इंद्राणी का अंश थी। चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया था और अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न पैदा हुए थे। एक राक्षस के अंश के साथ अंबा ने शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लिया था। सूर्य के अंश से सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म हुआ था और कलयुग ने दुर्योधन के रूप में जन्म लिया था। दुर्योधन के बाकी बचे 99 भाइयों के रूप में पुलत्स्य कुल के राक्षसों ने जन्म लिया था। दोस्तों, इस प्रकार और भी कई देवताओं और राक्षसों ने पृथ्वी का भार मिटाने के लिए उस समय पृथ्वी पर जन्म लिया था। जैसे कि अप्सराओं ने 16,000 स्त्रियों के रूप में जन्म लिया था और इन सभी के माध्यम से परमपिता ब्रह्मा ने महाभारत युद्ध की रचना की थी।